देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन संडे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपका नाम देखो. ओनली आई एम टेकिंग टुडे द बोर्ड क्वेश्चंस. कल भी मैंने वही किया था. देन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन लुक आपका नाम 0 टू पाई, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट आपका पाई, दैट इज योर एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. बोर्ड में 7 टाइम्स आ गया है आपका नाम. डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़िएगा आपका नाम. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेस में तो आपका देखो, जैसे आई इज इक्वल टू आपका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, सॉरी देखिए सॉल्यूशन नंबर वन में आप देखो आई इज इक्वल टू, यू कैन राइट एफ एक्स वट एवर इज इन द क्वेश्चन आपका, यू टाइप इट एज इट इज. इसको बिल्कुल वैसे ही आपका टाइप कर दीजिएगा, एक्स साइन एक्स आपका ना देखो ओवर दिस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका देखो एन डी एक्स एंड यू पुट इट इक्वेशन नंबर वन. इसको देख लीजिएगा सर, Have you seen the video? देखिए तो देखो उसमें norms को मतलब कहने का मतलब है. अब क्या करते हैं, second time when you write I, उस समय आपका f pi minus x हो जाएगा. अभी ये जो pi minus x का मतलब क्या देखो, ये जो f pi minus इसका मतलब lower limit plus upper limit आपका देखो a, lower limit plus upper limit minus x कर देते हैं. अगर आप इसके norms को देखेंगे जो मैंने first day I wrote on the board आपका, तो a plus b minus x लिखा होगा कहीं पे, जरा देखिएगा थोड़ा. तो ये आपका, तो देखो 0 plus pi minus x equal to आपका नाम, this is 0 to pi, this is pi minus x देखिए आपका नाम, and this is sin pi minus x. जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे आप lower limit upper limit को add करके x को subtract कर देंगे. ये मेरा मतलब कहने का है. and cos square आपका देखो pi minus x. सेम आप इसको टाइप कर दीजिएगा 0 टू पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स इसमें आता है. लेकिन साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, जी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो नहीं होता है, बोलिए बोलिए याद करिए, होता है. और एक फॉर्मूला परसों मैंने 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कल जाते जाते जब आप जा रहे थे तब भी मैंने बोला था ये आपका 0 टू ए आपका क्या लिखा था, आपने एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ये भी लिखा लिखा था. तो नाउ तो यहां पे आपका साइन एक्स हो जाएगा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर आप बना दोगे दिस. तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 में सारे को आपका याद करिए जी, कॉस 180 माइनस थीटा में सारे अपनी वैल्यू में प्लस ही रहते हैं, जरा चेक कर लीजिएगा. तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, चेक कर लीजिए. ठीक है ओके. नाउ आप क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एनी क्वेश्चन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स. आई प्लस आई इक्वल टू अब देखो दिस एक्स साइन एक्स डी एक्स, क्या बात बड़ी जमाइया ले रहे तुसी के बगल, थका तो मैं हूं और जमाइया तुम ले रहे हो. आई एंड आई टू आई and this LCM आपका देखो 1 plus cos square x. If the same denominator you have, जब आपका same denominators होते हैं आपका LCM में, याद रखिएगा same numerator है, क्योंकि 1 plus cos square बन जा, it's going one time, the same value will come, तो देखो आपका x sin x dx और plus this pi minus sorry pi minus x sin x and dx dx भी लिखेंगे, this is dx. Is that clear? So now this is 2i, अभी इसको रहने दीजिएगा. देखो sin x dx आप कॉमन ले सकते हैं, इसको आगे भी नहीं सकते और पीछे भी आपका यू कैन राइट अप कर दो sin x dx अंदर आपके पास x plus pi minus x sin x dx sin x ये कॉमन आ गया, so x plus pi minus x over 1 plus cos square x x cancel. तो ना दो this is 2i is equal to pi into this is sin x dx over this is 1 plus cos square.
आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू, अब इसकी लिमिट मैं यहां पे से लगा दे रहा हूं आपका, देखो ना यहां तक सॉल्व करने में थोड़ा, तो ना देखो दिस जीरो टू पाई एंड दैट इज साइन एक्स डी एक्स ओवर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू सिक्स। यहां से आगे क्या करूं, यहां तक मैं पहुंच गया अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जो डेफिनेट इंटीग्रल के नॉर्म्स है उसके हिसाब से मैं यहां तक पहुंच गया। अब मैं क्या करूं यहां पे, एग्जैक्टली सॉरी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप क्या करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू आप क्या करेंगे कॉस एक्स, नो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ना दो डी जेड इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये रखते हैं तो लोअर लिमिट भी चेंज होती है, आ रहा कुछ कुछ याद? yes, तो लोअर लिमिट आपका चेंज हो रही है, तो लोअर लिमिट इज व्हाट जीरो, एक्स इज इक्वल आपका क्या होगा जीरो, तो देखो जेड इज इक्वल कॉस जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है वन, तो लोअर लिमिट आपकी वन आ गई। क्लियर? नाउ अपर लिमिट के लिए नाउ यू हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू पाई, सो नाउ देयर जेड इज इक्वल कॉस पाई, cos pi means cos 180 and cos minus 1, beautiful, so nice, so upper limit happened. So now according to this I is equal to half, half ye hai, now this is 1 to minus 1 sin x dx means minus dz, sin x is equal to 1 plus z square, koi shak hai to batayega please. तो नाउ I इज इक्वल टू दिस माइनस विल कम अहेड आगे आ जाएगा वन टू माइनस वन एंड वन अपॉन सॉरी डी जेड ओवर वन प्लस जेड स्क्वायर। आपने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर होगा तो इसको क्या लिखते थे आप, रिमेंबर टेन इनवर्स एक्स, दैट्स वेरी फाइन जी। तो आपका नाम I is equal to minus half and you are writing this is tan inverse z and ये देखो अब आपका क्या हो जाएगा वन टू माइनस वन यानी कि ये अब आपका तो क्या था एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू अब आपका क्या हो जाता था एफ एक्स आपका देखो दिस और ये आपका नाम दिस ए टू बी और अब आपका एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे आपका नाम You have to reach यहां तक आपका पहुंच गए तो आपका इसके बाद इसको आप करते देखो आई इज इक्वल टू माइनस आप दिस जेड इनवर्स वन जेड इनवर्स वन और नो जेड इनवर्स माइनस वन और माइनस टेन इनवर्स जेड इनवर्स होता टेन इनवर्स आपका टेन इनवर्स वन सॉरी जेड की जगह में आपका नाम जेड इज इक्वल एक बार माइनस वन और जेड इज इक्वल वन रखेंगे ये आपका इक्वल टू बी के लिए लोअर लिमिट ए के लिए जी। तो क्या करूं ये तो आई इज इक्वल माइनस हाफ टेन इनवर्स माइनस वन का मतलब क्या हुआ देखो टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल आपका क्या होता वन तो ना टेन फोर्टी फाइव रिटेल टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन तो ना पाई बाई फोर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता दिस इज टेन इनवर्स वन होता है ये इधर से ये टेन इनवर्स वन तो आपका पाई बाई फोर हो गया आपका नाम ये वाला ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा याद रखिएगा राइट तो ये माइनस आगे से लगा आई इज इक्वल टू माइनस हाफ यू हैव टू टेक एलसीएम तो नाउ दिस माइनस पाई एंड माइनस पाई तो दिस आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड दिस इज माइनस टू पाई एंड बाई फोर माइनस से माइनस खल्लास इससे ये खल्लास योर आंसर इज पाई बाई फोर I is equal to pi by 4 is your last final answer. Am I right? Yes. Please do it. जरा चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है हाँ गड़बड़ है एक पाई भी तो था पाई 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 पाई
पाई, पाई तो पाई इंटू पाई, एक पाई पहले से था यहां आपका, तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाई फोर। तो वो जरा देखिएगा, पाई को मिसिंग कर दिया था, वो ना हो। नाउ सॉल्यूशन ऑफ नंबर टू, आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट पाई एंड दिस इज एक्स डी एक्स ओवर आपका नाम देखो दिस वन प्लस साइन एक्स। जो आप कह रहे हैं आप रेशनलाइज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यू आर आपका स्टडिंग आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका देखो ये हो गया आपका नाम देखो दिस आई इसी बार आपका देखो ना ये अब जीरो टू आपका पाई हो गया और यहां पे आपका क्या हो जाएगा ये पाई माइनस एक्स आपका डी एक्स। अब आप समझोगे जहां जहां एक्स है जहां जहां एक्स है वहां क्या जीरो प्लस पाई आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से एक्स को जो दिया होता है उस एक्स को माइनस किया जाता है जो आपने पढ़ा होगा एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स वो याद रखिएगा। तो बिल्कुल वही कर रहा हूं ओवर वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स यू विल कीप एज इट इज ओवर। नाउ फिर वही साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू नाउ दैट इज द साइन थीटा दिस 1 प्लस साइन का एक्स। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स ये 2 है तो दिस आई प्लस आई ऐसे करो 0 टू पाई एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स अगर इसको मैं ऐसे लिखा है अगर पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड आई कैन राइट आपका डी एक्स आउट साइड आपका नाम लिखो दिस तो दोनों का पाओगे तो दिस इज द 2 आई ऐसे करो 0 टू पाई एंड एलसीएम यू हैव टू टेक अपन नाउ 1 प्लस साइन एक्स क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो नाउ दिस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स 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 कलर तो नाउ दिस तो दिस इज 2 पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई नाउ पाई डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई डी एक्स ओवर ये 1 बाई 2 यहां आ जाएगा एंड 1 प्लस साइन एक्स आई है ये 2 पाई आई है आई इज इक्वल ये। अब यहां आप पहुंच गए तो जब यहां पहुंचेंगे नाउ यू विल राइट अप अनदर वे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपका नाम देखो दिस इज आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड दिस पाई विल कम आउट तो पाई आपका हो जाएगा एंड दिस 0 टू पाई आपका दिस डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स रेशनलाइजिंग का मतलब द ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई मींस 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बार का मतलब डिवाइड 1 माइनस साइन एक्स इन द डिनोमिनेटर यू हैव ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्पेशल थर्ड प्रोडक्ट यू हैव टू यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो नाउ आई इज इक्वल टू दिस इज पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स दिस इज डी एक्स ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर n माइनस साइन स्क्वायर। नाउ हियर अगेन यू हैव टू यूज id तो साइन स्क्वायर थीटा n प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो इट विल कम हियर सो नाउ i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई एंड 1 माइनस साइन x dx ओवर नाउ दिस इज कॉस स्क्वायर x। If you have the trinomial or binomial in numerator, either by any sign they are going to be separated. So now you will write up. Now this is the separating numerators with denominator. It's the binomial. So I is equal to the pi by 2, 0 to pi, 1 upon cos square x, or minus this is sine x over cos square x. And then you will write dx. Now, reciprocal rule
वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कैन राइट आपका सेक थीटा एंड आपका इसमें इन हियर आपका क्वेश्चन रूल एंड आपका ना तो रेसिप्रोकल रूल यानी कि साइन एक्स ओवर एक आपका कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी बाइफर्केटेड इनटू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स सो नाउ दिस इट कैन बी रिटन इन योर टेन एक्स एंड वन अपॉन कॉस एक्स अगेन वही आपका आई इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू पाई बाई टू जीरो टू पाई आपका दिस sec square x minus this is 10x sec x ठीक है ओके नाउ I is equal to pi by 2 sec square x का क्या हो जाएगा sec square x का इंटीग्रेशन है 10x ओके और 10x sec x का क्या हो जाएगा जी आर यू श्योर अरे मैं तो पूछ रहा हूं घबराने की जरूरत क्या और 0 टू पाई अपना यानी कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स लोअर लिमिट a टू b अब यहां पहुंच गया अब आपको यहां एफ बी माइनस एफ एक्स I इज इक्वल टू पाई बाई टू टेन पाई माइनस एक बार सेक पाई रख दीजिए और फिर क्या करेंगे माइनस एक बार का टेन जीरो और माइनस सेक जीरो यहां पे भी कर सकते थे आप एक बार यहां पे भी रख सकते थे मैंने क्या अलग अलग कर दिया उसका ना ठीक है ना तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू टेन पाई 10 पाई का मतलब 180 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस ब्यूटिफुल नाउ और माइनस 10 जीरो जीरो एंड दिस सेक जीरो वन दैट्स वेरी फाइन आई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस माइनस का प्लस और माइनस माइनस का प्लस प्लस वन प्लस तो आपका वन प्लस वन कितना हो गया टू तो टू से टू खलास आई इज इक्वल टू दिस इज योर फाइनल आंसर डू इट तो चल ही रहा था अभी तक देखिए यहां तक आप पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है आपका नॉलेज बता सकता ये आई इज इक्वल टू जो आप पहुंचे आपका देखो क्योंकि जब आपने क्या होगा एफ दिस द एफ पाई बाय 2 माइनस आपका देखो एफ पाई बाय 2 माइनस एक्स आपने किया तो ये आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स आपका जो अभी आप कह रहे थे ओवर ये आपका देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया होगा अब आप यहां अटक गई है Adding equation number 1 and equation number 2 on both sides, both ends. So, ये 2i हो गया, कैसे करते हैं? ये 0, 0 to pi by 2. जब इन दोनों को आप add करेंगे तो x से x आपका cancel हो जाएगा. देखो pi by 2 और ये आपका 1 upon आपका देखो cos x आपका देखो और plus sin x आपका आ रहा है. ठीक है? यहाँ तक आ रहा था आपका? Is it clear? अब आपका देखो अब क्या करना था आपने यहां पर टू आई इज इक्वल टू सॉरी टू आई इज इक्वल यहां तक आप पहुंच गए जीरो टू फाइव यहां पे आप क्या देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट टू यहां इसके साथ ही तो ये पाई बाई टू ये तो पाई बाई टू ही आ गया देखो हाँ निकाल लो कोई बात नहीं मैंने नहीं निकाला ये रूट टू से आपका देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया और रूट टू से आपने इसको क्या किया डिवाइड किया तो आपका देखो ये देखो कॉस यहाँ देखो कॉस एक्स इंटू ये आपका ये वन अपॉन रूट टू आपका देखो प्लस
साइन आपका देखो ना दिस साइन एक्स इंटू वन अपॉन रूट टू, तो टू आई इज इक्वल टू ये आपका जीरो टू पाई टू आई वाई बार में पाई लिख दे रहा हूँ आई को डी एक्स ओवर टू रूट टू। आपको पता है ये कॉस में इसकी वैल्यू वन अपॉन रूट टू कितने की होती है पाई बाई फोर होती है। तो आपका देखो ना दिस कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन एक्स ये भी साइन पाई बाई फोर। और आपको पता है कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी इसे बोलो कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। टू आई इज इक्वल टू जीरो टू ये पाई बाई टू था क्या था पाई बाई टू बोल भी नहीं रहा पाई बाई टू कर देते डी एक्स ओवर ये पाई बाई टू है टू रूट टू और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब आप कहेंगे ये करने की जरूरत क्या थी क्योंकि यहां देखो यहां दो चीजें थी डिनोमीटर में न्यूमरेटर में होता कोई दिक्कत नहीं होती इसलिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा रूट टू से जिससे कि कॉस का फॉर्मूला बन जाए। अब यहां पे आपका देखो ना रेसिप्रोकल रूल से देखो टू आई इसे करो जीरो टू पाई बाई टू आपका देखो डी एक्स ओवर या फिर टू रूट टू ये तो हुआ। अब आपका देखो वन अपॉन कॉस थीटा इसे करो तो आपका सेक थीटा होता है देखो तो थीटा इज बड़ा आपका तो एस सेक आपका एक्स माइनस पाई बाई फोर आपका डी एक्स ये क्योंकि sec cos का फॉर्मूला नहीं होता नीचे तो इसलिए आपको कन्वर्ट करने के लिए sec का फॉर्मूला आपको ये करना पड़ेगा जी। क्या पाई पाई किधर गया ये पाई इधर है पाई इधर है पाई कहाँ जाएगा पाई तो छोड़ करके जा ही नहीं सकता था। देखो अब आप बिल्कुल ये नीचे आया वन बाई टू तो आप वन अपॉन टू टू जो फोर रूट टू आ गया ना रूट टू भी तो है ना और ये पाई जो आप बार बार पाई कह रहे हैं ये पाई भी तो है ये पाई भी बाहर आ गया सेट के लिए ठीक है। अब आप करो ये इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अब आपके पास जो बचा देखो सेक एक्स माइनस पाई बाई फोर डी एक्स ये बचा आपका i इज इक्वल टू पाई ओवर फोर रूट टू इसका sec x dx का क्या होता है फॉर्मूला आपको याद होगा log sec x yes, ये और प्लस टेन x प्लस टेन x होता टेन एक्स पाई बाई फोर और अब इस पूरे का आपका क्या होगा लोअर लिमिट अपर लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। अब आप कम्यूट कर लेंगे इसको वैल्यू रखनी है क्लियर यहां से आगे आपका ना गो अहेड अब तो चले जाएंगे। अब आपने क्या करना है आपके एक्स की जगह में एक बार पाई बाई टू रखना है और एक बार एक्स की जगह में जीरो रखना है। यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया एफ एफ एक्स और इंटू ये आपका देखो जीरो टू पाई बाई टू मैंने पहुंचा दिया। अब तो आपको ना यानी कि ए टू बी मैंने पहुंचा दिया आपका देखो ना जैसे अब आपका एफ बी माइनस एफ ए लिखना है आपका और इसका जो आंसर आना चाहिए आई जो ये पाई तो आपका है तो वहां से वो भी आएगा टू आएगा तो पाई ओवर टू रूट टू इसको सॉल्व करके और लॉग रूट टू और आपका प्लस वन ये आना चाहिए आंसर। यहां से आगे आपके वन टू थ्री स्टेप और बचे वैल्यू रखने के लिए तो जरा इसको करिएगा। बहुत अच्छा लगा कि संडे भी आप आ गए और आपका नाम देखो पढ़ाई के लिए कभी भी मक्कारी मत करिए काम चोरी नहीं करिए। वेलकम हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल।